हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस कल्की का एक और पोस्टर आ चुका है एंड आई नो सुबह से काफी सारी कलेक्शंस को लेकर, ओवरसीज एडवांस बुकिंग को लेकर जो है अपडेट्स आ चुकी है, वो भी मुझे अभी कवर करनी है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूके के बारे में क्या न्यूज आई है, प्लस ऑफ कोर्स एक और चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज द टिकट प्राइसिंग, यानी कि इंडिया में टिकट प्राइसिंग कल्की की कितनी रह सकती है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करना चाहूंगी, उसके ऊपर आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन पहले बात करेंगे यार इस पोस्टर के बारे में। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग पोस्टर। यहाँ पे हमको दो दुनिया बिल्कुल अलग नजर में आ रही है, साफ तौर पर डिस्टिंक्शन दिख रहा है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स इस वाले पोस्टर में जो सबसे अच्छी चीज लग रही है वो ये कि अब यहाँ पर हमारे को एक होलिस्टिक कहानी के बारे में दिखाई दे रहा है, और पोस्टर से ही पता चल रहा है कि भाई ट्रेलर में काफी काफी चीजें जो नई नई भी आई थी वो भी यहाँ पर फीचर कर दी गई हैं। पहले जो पोस्टर्स हमने देखे हैं कल्की के, देखो उनकी कलर ग्रेडिंग अगर हम देखें, उनका उनकी डिटेलिंग अगर हम देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने देखा था कि डिस्टोपियन डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसके बाद के पोस्टर हैं, जिसमें बहुत सारा धूल है, बहुत सारा एनवायरमेंट जो है, हवा जो है काफी खराब दिखाई दे रही है, हर तरफ रेत है, मिट्टी है, देयर आर थिंग्स दैट आर ब्रोकन। अब इस पोस्टर में हमारे को कल जो ट्रेलर के बाद हमारे को कई चीजें रिवील हुई अबाउट द कॉम्प्लेक्स और वहां पर पानी का मौजूद होना, प्लस जो दीपिका का कैरेक्टर है उसको एक्सप्लोर किया गया, तो अब प्रॉपर तरीके से हमारे को ये पोस्टर में दिखाई दिया जा रहा है। प्लस साथ साथ में इस पोस्टर में एक और बड़ी चीज जो लिखी गई है, दैट इज एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन पहले जरा इसके विजुअल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो एक साइड जहां पर प्रभास का कैरेक्टर है, भैरवा का कैरेक्टर है, वहां पे हम देख सकते हैं अगेन देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वहां पर नीचे कुछ हमारे को वही डिस्ट्रक्शन नजर में आ रहा है, वेलकम टू द वर्ल्ड करके एक छोटा सा एक प्लैंक टाइप का है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू द वर्ल्ड लिखा है या क्या लिखा हुआ है, वो नीचे जो एक वर्ड है वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे को ये तो दिख रहा है कि यहाँ ये डिस्टोपियन फ्यूचर है, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। दूसरी तरफ हम दीपिका का जो साइड देखते हैं, वहां पे वी सी अ लॉट ऑफ होप, वी सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, वी सी वाटर, हमको पानी दिखाई दे रहा है, हमें उसकी आंखों में भी बहुत होप दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स का जो ऊपर का हिस्सा जो बताया गया था जहां पर बहुत सारा पानी हो सकता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, और एक वाटरफॉल टाइप की चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एंड आई सी सम पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस साइड। आसमान को देखें तो एक खुला आसमान है, नीला आसमान है, उसमें बादल है हल्के हल्के, तो यहाँ पर साफ तौर पर जैसे कह रहे हैं डिस्टिंक्शन नजर में आ रहा है, और बीच में है हमारे योद्धा दी अश्वत्थामा, आई मीन बिग बी जो इस फिल्म में लगने वाले हैं ना भाई, बड़े बड़ों की बैंड बजाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन ऑफकोर्स जो हम देख सकते हैं द ग्रैंड्योर ऑफ प्रभास कैरेक्टर इज क्लियरली शोन, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भैरवा का जो कैरेक्टर है वो कोई आम कैरेक्टर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर किया जाएगा इन द फर्दर पार्ट्स। सो ये तो है भाई पोस्टर का विश्लेषण। लेकिन इसके बाद मुझे आपको ये बताना था कि कल्की इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन ऑन यूट्यूब। यस गाइज, यूट्यूब पे नंबर वन है, इंटरनेट पर हर जगह कल्की इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन। नंबर्स की बात की जाए अगर तो दिस इज मैडनेस, क्योंकि $1 million नॉर्थ अमेरिका से कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका की नंबर्स की बात की जाए तो 1 million प्री सेल्स हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं सुबह जो आपसे एक रिपोर्ट हमेशा शेयर करती हूँ, इसको आए हुए समय हो गया है, मैं कहीं बाहर में थी, लेकिन उसका भी अगर आपको मैं ब्रेकअप बताऊं तो भाई $7 lakh तो अकेले अकेले यूएसए से हो चुके हैं, 337 locations हैं, 1391 shows हैं, and 22,729 tickets sold out हैं। This is unstoppable। अभी इसमें क्या हमें AMC दिखाई दे रहा है? अभी इसमें हमें AMC नजर नहीं आ रहा है। जब वो आ जाएगा तो भाई और भी बड़ा ये जंप लेने वाली है। अभी वी कैन सी 16 डेज टू प्रीमियर ऑलरेडी चल रहा है। अगर मैं इसमें कनाडा को भी ऐड कर लेती हूँ तो 7.6K US dollars की यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं अबाउट यूके। यूके में फुल फ्लेज्ड तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसका पोस्टर हमारे साथ शेयर किया गया था। ड्रीम्स एंटरटेनमेंट ने पोस्टर निकाला है कुछ देर पहले, और उसमें साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि कल्की का जो एडवांस बुकिंग यूएसए यूके में है वो अब कराई जा सकती है। कहाँ कहाँ कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ करवाई जा सकती है, दैट वील हैव टू सी। लेकिन भाई एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द टिकट प्राइसिंग। ऐसे एक चीज और बता देती हूँ साथ साथ में, 30 million व्यूज हो चुके हैं सब मिला करके ट्रेलर के 18.5 आवर्स ऑफ रिलीज में। जी हाँ, 30 मिलियन प्लस हो चुके हैं व्यूज, और लाइक्स की बात की जाए तो 1.3 मिलियन प्लस एंड काउंटिंग लाइक्स हैं। ये 5 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। अब मैं आपको बता रही हूँ टिकट प्राइसिंग की, टिकट प्राइसिंग इंडिया में क्या रह सकती है। देखो यार, अगर आप बिलोंग करते हो किसी ऐसे एरिया में जो कि कोई अर्बन सिटी है, मेट्रो सिटी है, वन टीयर सिटी है, वहां पर आप जाते हो फिल्म को देखने नॉर्मल वर्जन में, तो नॉर्मल वर्जन का मेरे हिसाब से टिकट प्राइसिंग कहीं ना कहीं
मैं नेशनल चेंज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 260 के आसपास रह सकती है, 260 के आसपास टिकट प्राइसिंग रह सकती है प्लस टैक्सेस। लेकिन अगर हम सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं तो सिंगल स्क्रीन ऐसे हैं साउथ में भी, नॉर्थ में भी, हर जगह में, जहां पर 120 रुपए की भी टिकट अवेलेबल है इन द नॉर्मल वर्जन। अब अगर हम अपग्रेड करें, ऊपर की बात करें, दैट इज 3D वर्जन, उसके बाद आएगा IMAX 2D, IMAX 3D वर्जन। तो भाई साहब IMAX 2D, IMAX 3D में तो टिकट प्राइसेस जो हैं वो आपको पता ही है कि वो हाई होते हैं, 600 रुपये, बैंगलोर जैसी सिटी में भाई 800, 900 रुपये प्लस टैक्सेस, उससे भी ऊपर जा सकते हैं आप। खबर ये आ रही है कि तेलंगाना में टिकट प्राइसेस आर लाइकली टू बी 413 रुपीज मल्टीप्लेक्सेस में एंड सिंगल स्क्रीन में 236 रुपीज है। और मेरे हिसाब से ये IMAX का प्राइस नहीं है, ये नॉर्मल की प्राइसिंग है भाई साहब। AP discussions happening and prices will range from a minimum 206 rupees to 354 rupees. ये तो range मुझे ठीक लगी, लेकिन भाई तेलंगाना में तो बहुत महंगी tickets होने वाली हैं off कल की। पता नहीं लोग कितना कैसे afford करेंगे, क्योंकि देखो भाई mass movie है ना, तो masses movie में ticket pricing भी mass वाली रखनी पड़ती है, फिर हम इतनी high ticket pricing रख करके numbers लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जहाँ कल की बात है ना भाई, YouTube जैसे handle ने, इतने बड़े YouTube ने भी 18 घंटे पहले से ही कल्कि के जो ट्रेलर है उसके बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। आई मीन यूट्यूब रेयरली ऐसा करता है कि, और यूट्यूब इज मासेस, मैं मासेस की बात करें तो यूट्यूब ने अगर उस फिल्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड थिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आई थिंक फिर तो भाई सिंपल सी बात यह है कि मैडनेस होगी, चाहे टिकट प्राइसिंग कुछ भी हो। अभी ये भी मैं आपको बता दूँ, मुझसे ये लोग, कई लोग ये पूछ रहे थे कि कल जो प्रीमियर हुआ था उसकी क्या टिकट प्राइसिंग थी। भाई वो फ्री था, उसकी कोई टिकट नहीं थी। और जहां तक रही बात टिकट प्राइसिंग फिल्म की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाई टिकट प्राइस होने वाले हैं इस बार कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाने वाली कि टिकट प्राइसिंग में थोड़ी बहुत कमी हो। अभी देखो एक और, मैं यहाँ पर जस्ट कुछ सेकंड्स पहले आया है ये पोस्टर, इसको मैं आपको बताने वाली हूँ, 750K प्लस एंड काउंटिंग, ये है नॉर्थ अमेरिका का प्रीसेल्स, जो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में मैडनेस चल रही है वहां पर, तो मतलब लोग पगला चुके हैं। एंड लुकिंग एट द ट्रेलर रिस्पॉन्स, तो ये देखने में लग रहा है कि भाई कहीं नहीं गया, 3.5 मिलियन यू नो यूएस डॉलर्स प्री सेल्स में कहीं नहीं गया, 100% आता हुआ वो तो लग रहा है। अभी अभी देखो क्या क्या आना बाकी है, सॉन्ग्स आने बाकी हैं, अभी प्रिल्यूड्स आने बाकी हैं, ट्रेलर एक आ चुका है, कुछ पता नहीं है दूसरा ट्रेलर भी प्लान्ड हो। भाई नाग अश्विन सर, भाई मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, मुझे ये कहना है हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी बड़ी चीज़ को पुल ऑफ किया है, दिस इज नॉट ईजी। एक एक शॉट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डिटेलिंग ऐसी अपने आप में कि उसकी भी कई ब्रांचेज हो सकती हैं, इतना जबरदस्त डिटेलिंग है, तो मतलब कमाल का है ये, तो कल की तो कमाल करेगी, बहुत बड़ा कमाल करेगी। मुझसे कई लोग जो पहले कहते थे कि कल की भाई ऐसा ना हो जाए कि हमने आदि पुरुष में जो देखा वही चीजें, आदि पुरुष करते रहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि यहाँ पर नाग अश्विन की बात हो रही है, नाग अश्विन इज नॉट ओम राउत, सो दैट इज द यू नो बॉटम लाइन। सो लेट्स सी अभी आज शाम को क्या कुछ आता है नंबर अपडेट होके, मैं एक बार 24 घंटे होने के बाद आपसे नंबर ऑफ व्यूज जरूर डिस्कस करूंगी, क्या व्यूज रह चुके हैं, क्या हो गए हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नंबर वहां पर भी आने वाला है। अभी किसी को ये भी शिकायत थी कि वैजयंती मूवीज ने बहुत अच्छे से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसका ज्यादा अच्छे से प्रमोशन नहीं हुआ, वरना कल्कि का ट्रेलर का और भी अच्छा व्यूज आते, रिस्पॉन्स आते। भाई एक बात सुनो, अभी ट्रेलर पर व्यूज कुछ भी आए, फिल्म ब्लॉकबस्टर है, दैट इज फॉर श्योर। नंबर्स में भी देख लेना, नंबर्स में भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ये तोड़ेगी और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम करेगी, 4 digits कहीं नहीं गए, बहुत आराम से आते हुए लग रहे हैं। तो बाकी देखते हैं आज क्या रिपोर्ट्स आती है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स।